बादशाहपुर विधानसभा से उम्मीदवार पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि कुछ लोग आस्था के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन वो असली शिव भक्त है। 5 साल की उम्र से ही वो पूजा अर्चना करते आए हैं। राव नरबीर सिंह ने दावा किया है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति सुनिश्चित नहीं कर सकता कि किसकी सरकार बनेगी। अपना मतदान करके ये तय करती है जनता कि प्रदेश में किसकी सरकार बनानी है, और बीजेपी ने पिछले 10 सालों में बड़े विकास कार्य किए हैं। साल 2014 में मेरे कैबिनेट मंत्री रहते हुए गुरुग्राम को द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर जैसी कई बड़ी सौगात मिली है। अभी कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बाकी है, तो ये निश्चित करते हैं। और मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 8 तारीख के बाद तमाम इन समस्याओं को समाप्त कर दिया जाएगा और लोगों के कई और विकास कार्यों के साथ बादशाहपुर को कई विकास की सौगातें दी जाएंगी। देखो, ऐसा जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है वो अपने अपने सब कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, और कहना भी चाहिए उनको, क्योंकि यदि वो ये ना कहेंगे तो मुकाबला कैसे करेंगे, वोट कैसे मांगेंगे। लेकिन ये तो 8 तारीख को हरियाणा की जनता बताएगी कि किसको सरकार बना रही, कौन हार रहा, कौन जीत रहा। मैं नहीं कह सकता, ना मैं भविष्यवक्ता हूँ, ना मैं ज्योतिषी हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे दक्षिण हरियाणा में तकरीबन सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। साहब, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ मैं शिव भक्तों को ही, और विपक्ष वाले तो आरोप लगाते रहेंगे, और वोट मांगने का यही एक तरीका है, तो मैं इसको ठीक मान लूंगा, भाई करी जाओ।